नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस सर। शेखर, धवन के हाथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगा है जिसकी मदद से हम दुश्मनों का पता लगा सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा कागज है जिस पर कोड वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस बात का क्या सबूत है सर कि उस कागज में कोई राज छुपा है? जिस आदमी के पास वो डॉक्यूमेंट मिला है उसने आखिरी सांस तक उस कागज को बचाने की कोशिश की। मरने वाले को अपनी जान से ज्यादा उस कागज की परवाह थी। अब तो मिस्टर धवन ने बहुत बड़ा काम किया सर। और वो कल सुबह एक्सप्रेस गाड़ी से यहाँ पहुंच रहा है। दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हैं सर और मिस्टर धवन का सफर भी बहुत लंबा है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि हर स्टेशन पर हमारे आदमी धवन से मुलाकात करेंगे। तुम तैयार है ना? मैं कल सुबह खुद स्टेशन पर चलूंगा। ओके सर। दुश्मन इतना चालाक है कि उसने डॉक्यूमेंट छोड़ा नहीं होगा। दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन मेरे साथियों से ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। धवन जान दे देगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। जहां तक हमारी सूझबूझ का ताल्लुक है, सारे लेटर में से हम सिर्फ दो अल्फाज को समझ सकें, 11 तारीख और जहाज। 11 तारीख, जहाज। छोटा माल नहीं बेचता है, तुम्हारा सेठ को मालूम है। ये देखो, कैसा है? ठीक है। तुम्हारा माल कैसा है? हबीब सेठ, हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ी अफीम है। जो पेटी खोलोगे यही अफीम मिलेगी। लेट मी टेस्ट। वाई नॉट, वाई नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड्स अप। की तो गोली मार दूंगा। मारो, मारते क्यों नहीं? रुक जाओ, मैं कह रहा हूं मारो ना।
तुम किसको यहाँ गन सप्लाई करते थे? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है वो? मुझे मालूम। तुम खुदा के पास जा रहे हो, मरते वक्त तो कुछ भलाई का काम करते जाओ। हजारों आदमी तुम्हें दुआएं देंगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस आदमी का अड्डा कहाँ है। बोलो खुदा के वास्ते कुछ बोलो। अव्वल तो हबीब की जबान खुलेगी ही नहीं, अगर खुल भी गई तो उसे मदन के अड्डे के सिवा और कोई अड्डा मालूम नहीं। तुम मदन को फौरन चुकाना कर दो। ओके बॉस। अभी जान बाकी है। बेचारा तड़प रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता। कहाँ है वो? बाहर गाड़ी में। प्लीज जल्दी कीजिए डॉक्टर। चलिए प्लीज। पिताजी से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है बेटा, तुम जल्दी आ जाओ। आज आपको एक नई जिंदगी मिली है। थैंक यू डॉक्टर। डैडी, डैडी, ये सब क्या हो गया डैडी? घबराओ नहीं बेटा, भगवान का शुक्र है उसने मुझे बचा लिया। थैंक गॉड डैडी। जेंटलमैन, शुक्र तो आप उस औरत का मनाइए जो आपको फौरन यहां ले आई। औरत? हाँ डैडी, मुझे भी एक औरत ने फोन किया था। डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? वो शायद बाहर है। चाय? ये चार कप किस लिए? भूल गया साहब, बरसों से चार कप बनाने की आदत पड़ गई है।
इसलिए कभी कभी भूल जाता हूं। सुंदर, मुझे फख्र है उन तीनों पर, उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए जान दी है। ऐसे लोग मर के भी नहीं मरते सुंदर, शहीद कहलाते हैं, शहीद। आप बड़े आदमी हैं, इसलिए आपके विचार भी बड़े हैं। मैं छोटा हूं, क्या करूं? जब खाली कुर्सियां देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे तीन जवान बेटे छोड़कर मुझे चले गए। सुंदर, शहीदों की मौत पर रोना बदशुगनी होती है सुंदर, उनकी आत्मा को तकलीफ होगी, रो मत। साहब, मेरी एक बात मानेंगे? क्या? ये नौकरी छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये नौकरी छोड़ दीजिए। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया। सुंदर, क्या तुम चाहते हो कि मैं मौत से डर के अपने फर्ज से मुंह मोड़ लूं, उन बदमाशों गुंडों लुटेरों को अपना देश बर्बाद करने के लिए खुला छोड़ दूं? नहीं सुंदर, नहीं। हम लोग सिपाही हैं और तुम एक सिपाही को प्यार में फंसाकर बुजदिली का सबक सिखा रहे हो? नहीं सुंदर, नहीं। हम लोग जिंदगी, मौत, अपना पराया कुछ नहीं जानते, फर्ज के लिए जीते हैं और फर्ज के लिए मरते हैं। आपने मुझे बुलाया सर, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? आपके दोस्त डैडी बच गए। बच गए? हाँ सर, बहुत दिनों से कुछ बदमाश डैडी के खून के प्यासे हैं, लेकिन डैडी भी इतने जिद्दी हैं, वो कहते हैं कि उनको पकड़ने के बाद ही दम लेंगे। ऐसे लेकिन इस पर डैडी का बचना बहुत मुश्किल था सर। वो तो एक औरत थी, एक शरीफ औरत, जिन्होंने डैडी की जान बचा ली। कौन है वो औरत? मैं कहता हूँ कौन है वो औरत, कहाँ रहती है, मदन के साथ क्या ताल्लुक था उसका, क्या काम करती थी? उस औरत का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है, जब तक वो नहीं मिलेगी हम सब लोग खतरे में हैं। फौरन उसका पता लगा। जाओ, ओके बॉस। तुम्हारी ये बंदूकें मेरे पढ़ते हुए कदम नहीं रोक सकती। मैं तुम लोगों की तरफ पुश्तिल नहीं, जब मौत के डर से अपने रास्ते से हट जाऊं। तुम क्या समझते हो, मेरे मर जाने से ये खेल खत्म हो जाएगा? मेरा खून बहाकर तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। प्रकाश, क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आप परेशान हो और मैं सो जाऊं, क्या मुझे नींद आ जाएगी? मेरी परेशानी से तुम्हें क्या वास्ता? डैडी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? अगर तुम मेरे बेटे होते तो मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते। डैडी, आप मुझे इतना खुद का समझते हैं? आप हुक्म दीजिए, प्यार तो क्या आपके लिए जान तक कुर्बान कर सकता हूं। बेटे। हाँ डैडी, कृष्ण ज्ञान योगी थे, अर्जुन कर्म योगी था, इसी तरह आप मेरे ज्ञान योगी बन जाएं, मैं कर्मयोगी बनना चाहता हूं। क्या बात है डैडी, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटे, तुम तो जानते हो कि आज मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस देशद्रोही की खोज जो इस गन रैकेट का जिम्मेदार है। एक एक करके मेरे तीनों साथी उस जालिम का शिकार बन गए, मेरे दोनों हाथ कट गए, मेरी कमर टूट गई, लेकिन मैं उसे अभी तक नहीं पकड़ सका। मैं जानता हूं जब उसका निशाना मैं हूं, मैं मुझे मरने की परवाह नहीं। दुख तो सिर्फ इस बात का है, अगर उस शैतान को कानून के हवाले करने से पहले मैं मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा डैडी, आज से आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। सच? हाँ डैडी। काश तुम्हारी इस बात ने मुझे नई जिंदगी दी है, अब तो मैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अब दुश्मन मेरे हाथ से नहीं बच सकता, पुलिस चारों तरफ फैल चुकी है उस औरत का पता लगाने के लिए जिसने मेरी जान बचाई थी। बस ये है वो औरत। कलकत्ते में मदन के साथ काम करती थी। कुछ दिन पहले जब आपने मदन को यहां बुलाया था
तो मदन इसे भी अपने साथ ले आया था। कहाँ रहती है? पार्क लेन में। यही गाड़ी थी? जी हाँ डैडी। आई श्योर? डेफिनेटली। दैट्स फाइन। कमर सर। साहब है? साहब तो यहाँ कोई नहीं रहते, अकेले एक मैम साहब रहती है। मैम साहब से कुछ कहना है? हाँ उनसे कहिए कि सीबीआई ऑफिसर मिस्टर कुमार आए। बहुत अच्छा, आइए आइए बैठिए आप लोग, मैं अभी बुला के लाता हूँ। आपको मुझसे मिलना है? नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आप ही मिसेस शर्मा? जी हाँ, कहिए क्या बात है? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। जी दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। उस दिन आपने खूनियों से मेरी जान बचाकर कानून की जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका बयान भी लेना चाहूंगा। आप वहां कैसे पहुंची? वो लोग कौन थे, कैसे थे, कितने थे, और मुझ पर गोली किसने चलाई? अगर आप ये सब बातें मुझे बता दें तो हमारा उन खूनियों को गिरफ्तार करना काफी आसान हो जाएगा। माफ कीजिएगा मिस्टर कुमार, मेरी समझ में तो आपकी एक बात भी नहीं आई। ना तो मैंने आपकी जान बचाई और ना ही मैंने किसी को आप पर गोली चलाते हुए देखा है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? तो क्या ये लाल गाड़ी आपकी नहीं है? जी गाड़ी तो मेरी है, लेकिन 15 दिन हुई चोरी हो गई थी, कल ही वापस मिली है। अच्छा, तो औरत चोर भी है? कौन सी औरत?